बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बी आर ए बी ओ न्यूज में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं बी आर ए बी ओ न्यूज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्नातक पार्ट वन सेशन 2022 से 25 वाला को जो नया एडमिशन होने वाला है उसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना, कल कुछ और विश्वविद्यालय कह रही थी, आज की रिपोर्ट में कुछ और बता रही है। तो देखेंगे उसी को और समझेंगे कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय 10 दिन के भीतर ना 2-3 बार जो मेरिट लिस्ट की तारीख है वो बदल चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही है कि अब CBSE 12वीं के रिजल्ट के बाद निकलेगी मेरिट लिस्ट। जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना उसका जो अब तारीख है वो बढ़ा दिया गया है। जब तक CBSE बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद उसके साथ साथ आप लोगों का जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसके लेके आप देखें डिस्क्रिप्शन की बात करें तो BRA बिहार विश्वविद्यालय में सत्र 22-25 के स्नातक पार्ट वन में दाखिला के लिए जारी होने वाली फर्स्ट मेरिट लिस्ट रुक गई है। अब CBSE 12वीं के रिजल्ट निकलने के बाद इन छात्रों को अभी आवेदन लेकर एक साथ मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो अब 12th का जो CBSE बोर्ड का है उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा बिहार बोर्ड वाला और CBSE बोर्ड वाला दोनों को साथ ही में। जैसे कि देख रहे हैं आप, छात्र छात्राओं को कम से कम 15 दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जो 15 दिन और आप लोगों को लेट होगा इसको लेकर 10 दिन के अंदर भी 2 बार विश्वविद्यालय निर्णय बदल चुका है। पहले विश्वविद्यालय का कहना था कि CBSE के छात्र का भी आवेदन लेकर मेरिट लिस्ट निकालेगी। पिछले सप्ताह घोषणा की कि CBSE रिजल्ट का इंतजार नहीं होगा, गुरुवार को जो मेरिट लिस्ट है वो निकाल दिया जाएगा 5 को, जैसा कि बताया गया था। लेकिन अब फिर निर्णय हुआ कि CBSE रिजल्ट आने के बाद ही एक बार और पोर्टल खुलेगा और 8 दिन के समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो अभी आप लोग इंतज़ार करें 15 से 20 दिन। 15 दिन ऐसे प्रतीक्षा करने के लिए बोला है, 15 से फिर समझिए तो 8 दिन फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। फिर उस मेरिट लिस्ट बनाने में कुछ कम से कम 2-3 दिन तो मेरिट लिस्ट बनाने में लग जाएगा। तो उम्मीद है कि इस महीना के लास्ट तक जो है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो हम कल भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि 15 के बाद ही उम्मीद है कि जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने का। तो जैसे जैसे ही कोई रिपोर्ट आता है तो आपको हम समय समय पर पहुँचाते रहेंगे। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या परेशानी है। और एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है, सबसे बड़ा बात तो एडिट का ऑप्शन नहीं। बहुत सारे छात्र छात्राएं का फॉर्म गलत है तो एडिट का ऑप्शन विश्वविद्यालय को दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही एडिट का बटन आता है तो आपको हम उस पर भी वीडियो बना के बताएंगे कैसे एडिट करना है। तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डेली अपडेट आता है तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो जो आने वाला जो मेरिट लिस्ट है वो आपसे छूट ना जाए। आज के लिए इतना ही, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए।